खबीनों आपको कहते हैं खुश प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़ नाजी नाच के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टेज ड्रामों के हवाले से और आज के दौर में जब भी स्टेज ड्रामों की बात होती है तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि जी फहाशी है उरियानी है जब फहाशी और बात होती है तो उसकी बुनियाद स्टेज ड्रामों में नरगिस ने रखी और उसके बाद स्टेज को नाच गाने के लिए बना दिया गया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इसी हवाले से गुफगू करने के लिए नरगस हैं नरगस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो लाएँ और मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती अब्दुल कवि साहब इससे पहले कि हम बायदा गफ्तु का आगाज़ करें सबसे पहले वो इल्ज़ाम या वो खबरें जो नग नरगस के हवाले से ख़बरों में अखबार में गर्दिश करती रहीं उन पर इनकी वजाहत भी लेंगे और इनका क्या उसके दिफा में कहना है ये भी हम सुनेंगे स्कैंडल्स में ये है कि सन 2003 में नरगे ज़ेर हिरासत थी एक ऐसा शो था कि वहाँ पर फहाश नाच गाना था कि जिसकी वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया और जो स्कैंडल्स हैं उनमें यह कि बिला लाइसेंस के असला रखने पर इन पर मुकदमा चलाया गया दीगर में ये कि इनकी साथी अदागाराओं से इनके खासे झगड़े होते रहे हैं रीमा से इनका झगड़ा हुआ और फिर बात हाथापाई तक भी पहुंची हनी शहज़ादी एक और इनकी साथी जो स्टेज पर फिल्मों में काम करती रही हैं उनसे भी इनका झगड़ा हुआ और बात काफ़ी दूर तक पहुंची निदा चौधरी से भी इनके झगड़े रहे झगड़ों को एक तरफ रखते हुए एक और ऐसा स्कैंडल या एक और ऐसा मसला जिसकी वजह से इनको मुल्क से बाहर जाने पड़ा वो था आबिद बॉक्स स्कैंडल ये वो तमाम स्कैंडल्स या वो तमाम इन पर लगाए गए अल्ज़ाम हैं जिनका नरगिस जवाब देंगी और खबरों की जहां पर बात होती है तो वहां पर एक खबर ये भी बहुत ज्यादा सामने आई और उस पर बात भी हुई और उसका टाइटल कुछ यूँ था कि नरगिस हाजन बन गईं नरगिस साहिबा आप पर लगाए गए इल्जामات यकीनन काफी ज्यादा हैं ज्यादा इल्जामات आपने इकट्ठे ही बता दिए हैं बारी-बारी बताएं ताकि एक, मैं बारी एक बारी एक जिसका मैं शुरू में जिक्र करूंगा पहले तो अस्सलाम और सबको ही आ, मैं सलाम कहना चाहती हूँ बल्कि मुफ्ती साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मुझे बड़ी असल मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं नर्गिस जी के एहतराम में टोपी पहन लू जल्दी से तो अक्सर जो है मुझे देखकर कर एहतराम टोपी पहन लेते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात पे और कोशिश करूंगी कि मैं भी आइंदा जो है मुफ्ती साहब के सामने जब आऊँ तो सर पे डुबट्टा लेकर आऊँ बहुत शुक्रिया जब आपने की बात की है तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो आपके एहतराम में इंतज़ार उनको करना पड़ता है और कई कई घंटे आप उनको इंतज़ार करवाती हैं और जिसकी वजह से हमेशा से दिक्कत का सामना रहता है और नरगिस के साथ इंतज़ार ये दोनों इंतज़ार की बात करें नरकस की बात करें तो एक ही चीज़ है देखिए कहते हैं ना इकबाल हमेशा देर से आता है लेकिन जब वो आता है और वो छा जाता है रही बात इन लड़कियों की इनमें से जो हनी शहज़ादी हैं वो तो मेरी बहन है और उनसे मुझे कभी भी गिला शिकवा नहीं रहा और मुझे उनसे बहुत प्यार है शुरू से आ, मैं ही उन्हें फील्ड में साथ लेकर आई ये बिल्कुल एक अखबारी ख़बर थी ऐसी कोई बात नहीं थी नहीं मेरा उनका कोई झगड़ा नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं थी वो एक झगड़ा तो देखें घर में भी हो जाता है वो कहते हैं ना कि पांडे तो खड़क ही ने तो लड़ाई झगड़े के बाद सुलह हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है और रही रीमा की बात मैं ये बारी बारी वजाहत इसलिए करूंगी कि आपने सबके नाम लिए तो जब मैं नई नई आई तो बल्कि मुझे बड़ा मज़ा आता है कि कहते हैं ना कि जिसकी कोई मुखालफत नहीं उसका कोई मुकाम नहीं तो खैर एक वक्त आया रीमा के मुकाबले मुझे खड़ा कर कर दिया गया और रीमा जी को मुझ पर थोड़ा सा एतराज़ था कि जी ये मेरे जैसा डांस क्यों कर रही हैं तो उनकी बातों से मुझे लगा कि उन्होंने मुझे अपनी जगह पे खुद बाजू पकड़ के खड़ा कर दिया okay. और मैं इस बात पे रीवा जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी uh -huh. कि उन्होंने मैं जब आई हूँ शायद मैं अपना मुकाम ना बना सकती क्योंकि बहुत सी फनकार थी उस वक्त ऐसा नहीं था कि एक या दो हीरोइंस थी उस वक्त बहुत सी आर्टिस्टें थी उन्होंने मुझे मेरी, मुझे मेरी मुखालफत करके मुझे खुद हाथ पकड़ के अपनी जगह दे दी और जिस तरह मैं समझती हूँ अभी मैं बोल नहीं सकती अच्छा मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मुझे इतना समझ नहीं है इतना नॉलेज नहीं है मुझे नहीं। लेकिन आ, मैं एज एन एंकर अभी एक प्रोग्राम कर रही हूँ और बहुत से एंकर्स जो हैं वो मेरे खिलाफ़ हो गए हैं कोई पता नहीं आप भी हुए हैं दिल से तो मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन

और फिर जब मैं आई थी तो मैं अच्छी एक डांसर थी तो लोगों पर लोगों ने उनसे कहना शुरू कर दिया कि नरगिस बहुत अच्छी डांसर है क्या कुछ इसी तरह का मिलता जुलता अख्तलाफ आपका निधा चौधरी से भी नहीं था निधा चौधरी हमारी जूनियर आर्टिस्ट हैं और उनके वालद साहब मेरे साथ काम करते रहे हैं वो जूनियर आर्टिस्ट थे मतलब बैकग्राउंड जो पीछे एक आर्टिस्ट काम करते हैं अल्लाह ने उनको इज्जत दिया है हम उनकी इज्जत करते हैं निधा चौधरी की लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं देखिए आप जैसे आप उस सीट पर बैठे हैं आप मेरे सीनियर हैं मैं बिल्कुल भी आपको धक्का देकर उस सीट पर नहीं बैठ सकती ठीक है। मैं काम करके मेहनत करके लगन से उस सीट पर आ सकती हूँ उस वक्त जब मैं उस काबिल होंगी तो जो फहाशी की जहाँ तक बात हुई तो जहाँ तक ये फहाशी की गुफ्तगु करते हैं तो कभी ये सोचा है कि रातों रात जो नरगिस बनना चाहती है कमीजें उन्होंने उतारी है नरगिस ने नहीं उतारी ने नहीं उतारी नरगिस ने काम किया है तो 19 साल से अपनी जगह पे खड़ी है तो काम करके आगे आना वो और बात होती है और अपने कपड़े उतार के आना वो और बात होती है जो कपड़े उतार के आती हैं वो जल्दी से आती हैं और जल्दी से चली जाती हैं क्योंकि तो पानी राजपूर... के बुलबुले ज्यादा देर हवा में नहीं ठीक, रहते निधा चौधरी की बात करते हुए इश्तेहारी राजपूत एक फिल्म थी जी उस फिल्म में कहा जाता है कि आपने प्रोड्यूसर साहब से कह के उनके सीन्स को कम करवाया और फिर ये तमाम प्रोड्यूसर से कह दिया कि निधा चौधरी के साथ मैं किसी फिल्म में काम नहीं करूंगी मेरी मेरी एक प्रॉब्लम है से आप आ, शायद समझें कि शायद मेरी ज़्यादा लड़ाइया होती हैं झगड़े मैं आ, कोई खरी बात प्रोग्राम नहीं करती लेकिन बात खरी करती हूँ किसी प्रोग्राम का नाम नहीं है मेरे के खरी बात या मतलब सच्ची बात ऐसा नहीं।, नहीं है लेकिन बात मैं सच्ची करती हूँ क्योंकि मैं खरी इंसान हूँ और मैं रात को जब सोती हूँ तो बड़े सुकून से सोती हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई चीज़ नहीं है इसलिए कि मुझे मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि मेरा बुरा हो नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं ठीक है तो ये जो बात अभी आप कर रहे थे कि अभी हम गुफ्तु कर रहे थे निधा चौधरी की तो ये जितनी लड़कियाँ आईं ये रातों रात नरगिस बनने के चक्कर में इन्होंने फहाशी भी की गन भी किया और लाहौर में नहीं हो सका इनसे क्योंकि लाहौर में तीन डिपार्टमेंट हमारे सर पे बैठे हैं डी डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट और आर्ट्स काउंसिल पंजाब आर्ट्स ठीक है वहीं से आपको भी मिलते रहे मैं आपको बताती हूँ आपने अभी बात की कि 2003 में जब मैं वापस आई तो स्टेज से मैं गिरफ्तार हुई तो मुझे अच्छी तरह से याद है ये गुजरा वाले का वाक्य है तो मैं स्टेज पे खड़ी थी और एक शेर कह रही थी शेर कह रही थी कोई अशार चल रहे थे तो इतने में ना चार बंदे हॉल में से जंप मार के स्टेज पे आए जिन्होंने वर्दियां नहीं पहनी हुई थी या वो पुलिस वाले नहीं थे तो मेरे पीछे जितने लोग खड़े थे वो भाग गए और आप यकीन करें ये रिस्क मेरे हाथ में है मुझे जो मर्जी कसम उठवा लें मैंने लहंगा पहना हुआ था और इतने बाजू की कमीज पहनी हुई थी इतना गला था मेरा वो बंदे ऊपर आए है तो उन्होंने मुझे कहा मैंने कहा एक सेकेंड हाथ नहीं लगाना किधर जाना है उसने कहा जी थाने इतने में पीछे से पुलिस आ गई मैंने कहा जी चलिए हम थाने चले गए थाने जाकर ऐसे वो चार बंदे सामने बैठ गए उन्होंने ट्रैक सूट पहने हुए थे ठीक है अब हम बैठे हुए हैं कुछ खाएंगी आप मैंने कहा नहीं कुछ नहीं थैंक यू आप बताएं आप हमें क्यों लेकर आए कहने लगे जी आपके फ़ैन हैं और वहाँ गए थे टिकटे नहीं ले सी ले ली हमने क्योंकि हमने प्रोड्यूसर से कहा था हमारी सीटें करवा दें प्रोड्यूसर ने हमारे साथ नखरे किए हमें पता था आपको पकड़ेंगे तो ड्रामा बंद हो जाएगा ठीक है हम आपको पकड़ के ले आए अब हम आपके साथ चाय पियेंगे आपने सवाल किया मुझसे आपने पूछना है उनसे कहा कि आप क्या करेंगे आप क्या चाहते हैं आपके साथ खाना खाऊंगी नहीं आप देखिए हम आपके फैन हैं ये हैं मैंने कहा खाना नहीं खाती आप ऐसा कीजिए मेरे पे परचा देते क्योंकि अगर आपने पर्चा ही देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फहाशी का पर्चा दे देंगे सोलह एन लगा देंगे दफ़ा चौताली चौतालीस के बस कह लगे जी ठीक है इन पर पर्चा दे दें जी इनके बड़े नखरे हैं ये बड़े पैसे कमाती हैं खैर पर्चा हो गया सुबह ज़मानत हो गई हम आ गए अब लोगों को ये तो पता चल गया पर्चा हुआ उसके पीछे रीज़न क्या है ये किसी को नहीं पता ठीक है फैसलाबाद में मेरे पे पर्चा हुआ फैसलाबाद में एक एसएचओ ने आल राजा शहजाद कमर की उन्होंने कहा मुफ्त में नहीं बिठाऊंगी बंदे हाँ एक दो बंदे थाने के तो बिस्मेला ठक करके मेरे पे पर्चा हो जाता है और मुझे ही कॉल आ रही है क्या आप निकल जाए आपके हम फैन है आपको गिरफ्तार नहीं करना आप सुबह जमानत कर लीजिएगा करवा लीजिएगा सिर्फ क्या हमने ड्रामा बंद करना है सिर्फ ड्रामा बंद सिर्फ ड्रामा मैं गिरफ्तार नहीं हुई फैसला बाद में ठीक है उन्होंने मुझे कहा आप चले जाए आप चली जाए हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं हम आपके फैन हैं हमने ड्रामा बंद करना है अब ड्रामा बंद करने के लिए अगर वो जूनियर आर्टिस्ट को बैन करते हैं या पर पर्चा देते हैं तो ड्रामा नहीं बंद होता जिसके नाम पर टिकट बिकती है ड्रामा उस वजह से बंद होता है ठीक है मुझे उन्होंने इस तरह किया ड्रामा बंद हो गया मैं अब जैसे मैं पिंडी ड्रामा नहीं कर सकती मैं जब भी जाती हूँ मुझे इंतज़ामिया प्रॉब्लम मतलब है। कि आप क्या कहने, कहना चाह रही हैं कि आपने कभी कोई ऐसा परफॉर्मेंस ऐसी स्टेज पे नहीं सर मुझे साबित कर करें पर हाँ। एतराज हुआ हो जो वीडियोस डीवीडीज बाजार में लोग हर, देखते हैं मिलती हैं है, 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 क्या हुँ। वो सब सही है देखिए मेरी बात सुनिए लाइव शो अभी अभी कैमरा चल रहा है कैमरा मेरा मिड शॉट भी बना रहा है क्लोज भी बना रहा है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन अपने काम की बहुत पढ़ी लिखी हूँ मुझे अपने काम की सेंस है आप इस शॉर्ट को चाहें तो वाइड एंगल में कर सकते हैं एक्सपोज आपको वाइड एंगल में

वो जब कैमरा एक्सपोज करते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी गंदी जहनीत है ना इंसान का इनर जो है वो सामने आता है उसका अंदर है वो खुद देखना चाहता है नरगिस कहाँ से गंदी लगती है वो जूम लेकर जाता है तो जब वो जूम लेकर जाता है आप लोगों लो को हैं? वो मिलते हैं। ऐसे लोगों को काम क्यों करने देती हैं, उनके साथ काम क्यों करती हैं, जो की इस, तो इस तरह की बात करें इंतजाम को इंतजामिया कोई और लोग नहीं नहीं आर्ट्स है लाहौर में पाकिस्तान के मुख्तु शहरों में बिकती है बाजारों में वो तो जिन जिन्होंने बिल्कुल कैमरे से होती है लेकिन वो बाकायदा फिल्म किया गया होता है कि इस ड्रामे को बनाकर रिकॉर्ड करके बाद में बाजार में लाइव शो होता है और

कि बहसीियत इंसान होने के और फिर इस पाकिस्तान जो ममलकत खुदादा पाकिस्तान है जो हमारे अकाबर ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया फिर हमारे लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ यह है कि अल्लाह रब्लम ने हमें मुसलमान होने वाला एक वो मकाम और एक वो शरफ़ अता फ़रमाया है जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्मीन ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक दस्तूर भी दिया है जो कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है तो इसलिए जो काम भी हम पाकिस्तान के अंदर करें ख़ास स्टेज के ऊपर करें खा किसी और प्लेटफार्म पर करें तो हमें इस बात का एक यकीन होना चाहिए और इसका एहसास भी हो और इसका इदराक भी हो मुझे इस बात से खुशी हुई कि इन्होंने ये बात कही कि जब से इनको अल्लाह ने बच्चा दिया है तो उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाए हैं और तब्दीली लाने का माना यह है कि अब इनको इस बात का एहसास है कि वो चीज़ जो शराफत के खिलाफ हो जो गैरत के खिलाफ हो जिसके अंदर फहाशी हो जिसके अंदर हो उससे इम्तनाब किया जाए ये सवाल ये सवाल मैंने भी पूछा नरगिस से और उनका ये कहना था देखिए आप तक ये जो आप कह रहे हैं कि स्टेज पर ऐसा होता है और फाशी की जो बात हो रही है ये उन डिविडीज की बदौलत है लोग ये उन डिविडीज को देख कहते हैं और वो जो डिविडीज हैं उनको बनाने वाले इस तरीके से कैमरे की प्लेसिंग करते हैं शॉट्स ऐसे बनाते हैं कि कि वो यूं ही दिखता है कि जिस तरह बहुत गलत हो रहा है जबकि होता नहीं जी नहीं देखे जी बात ये है कि मेरे ख्याल में ये नहीं, बात होता होता नहीं होता है नहीं, नहीं। नहीं। लेकिन हर लड़की नहीं करती आप करती हैं मैं तो नहीं करती मुझे साबित करें मेरा YouTube में कहीं मैंने कमीज उतारी है मुझे साबित करें अच्छा आपकी नजर में मैं क्या है कि उरियानी फहाशी का मैार क्या है ये आपकी नज़र जवाब का नरगे इसका जवाब हम, हम ले। ब्रेक ले लें ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम नरगे से पूछेंगे कि इनकी नज़र में अगर डिफाइन करना हो कि उरियानी फहाशी क्या है तो वो इनकी नज़र में डेफिनेशन क्या होगी इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद सुहेल अहमद साहब आपके साथ काम नहीं करते वो दूसरे डांसर को बर्दाश्त नहीं करते हमारे नरके साहब की वजह से फाशी और उजानी को एक सटे ड्रामे के ऊपर पजीराई मिली है और उन्होंने इस दरवाजे को खोला है ये पहले मुफ्ती साहब ड्रामा देखे उसके बाद इस पे गुफ्तु करें।